कैसा है? प्याज लेना है? प्याज दें? कल बाल धो लेना लड्डू। आज हमारे यहाँ डिनर में ही है फुलकी का प्रोग्राम, तो मटर मैंने बॉयल कर दिया है और इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक हमने पीस लिया है इसको। ये ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी नहीं है। बहुत से लोग इसमें इमली का पानी और कच्चे आम का खट्टा रखते हैं जीरा जल में, लेकिन हम नींबू का रखते हैं। ये नींबू है, अभी अगर खट्टा नहीं हुआ तो और नींबू डालेंगे। ये नींबू हमने डाल दिया है और इसमें अंदाज से ही चाट मसाला। चाट मसाला पहले हम टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर डालेंगे। अभी तो पानी और पड़ेगा। इसमें बूंदी भी हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ से बूंदी हम लाते हैं यहाँ पे चौक में हरी के यहाँ से, तो है नहीं। और सब जगह का बूंदी अच्छा नहीं लगता। जैसे पता नहीं लगता है कि बेसन से वो लोग नहीं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं पता नहीं। तो इसलिए बूंदी जब ले आएंगे वहाँ से, तभी हम रायता या इसमें डालते हैं। एक तो इमली और आम नुकसान भी करता है, अच्छा तो लगता है लेकिन मेरे हस्बैंड भी नुकसान करता है। और नींबू की खटास अच्छी भी लगती है। इसमें जैसे जैसे टेस्ट कर लेंगे नमक और वो जीरा, तो वो सब डाल देंगे। जीरा पाउडर भी हमने डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर कम लग रहा है। जैसे अभी गए हैं लेने के लिए, सब जगह की फुलकी या जो भी आप लोग बोलते हैं गोलगप्पे, इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं कि वो लोग अच्छे तेल से नहीं बनाते हैं। तो टेस्ट करके तब लाते हैं। ये बन के एकदम जीरा जल बन के रेडी हो गया है और अब इसको फ्रीज में रख देंगे हम। ये मैंने मटर बॉयल करके दोपहर में रख दिया था, मटर बॉयल करके दोपहर में रख दिया था कि ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा नहाने, फिर दिया बत्ती करेंगे, तब सबको देंगे खाने के लिए। रात का डिनर कैसा है? प्याज लेना है? प्याज दें? जीरा जल में मैंने नींबू डाला है, मैं इमली और आम नहीं डालती। नींबू का टेस्ट ऑसम आता है एकदम। सभी को मेरा राम राम। आज है 18 तारीख, सुबह से मैं शूट नहीं की। ये वाला नस चढ़ रहा है, बार बार दर्द हो रहा है। न्यूरोबियन खाती हूँ लेकिन तब भी पता नहीं क्या चढ़ जाता है बार बार। चेरी स्कूल गई, चेरी का लंच बॉक्स भी तैयार हो गया था, वो चली गई है स्कूल। और ये कल मैंने पैकेट मंगवाया था, तुम सोची गिला इसको करते नहीं, कहाँ रखेंगे। और ये रिफाइंड है, ज़्यादातर मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ जहाँ पर हो सकता है। ये रिफाइंड मैं रखती हूँ फॉर्च्यून का, कि कभी चांस की बात है किसी को पसंद ना आए, कोई आए घर में, तो ये मैं एक पैकेट ज़रूर रखती हूँ। और नहीं तो फिर
देसी घी तो है ही, देसी घी में ही मैं कुछ काम कर लेती हूँ और फिर से नस चढ़ गया है, इसीलिए आज कुछ सूट नहीं कर पा रहे थे। कल बाटी बना था तो देसी घी में ही मैं वो बनाई थी, देसी घी में तो खैर बनता ही है। और इसको खाली करके पहले रख लें, सुबह सुबह बहुत काम रहता है। मेरा ट्राइपॉड भी खराब हो गया है, बार बार मोबाइल इससे गिर जा रहा है, अभी खाली मैं टिकाई हुई इसको, बस टिक जाए ये। ये एक पैकेट वो था, दो पैकेट ये आजकल मील नहीं, मील से नहीं ले आते हैं तो हम पैकेट वाला ही मंगवा ले। खुला हुआ तो ये लोग मिलावट करते हैं, खुला हुआ में खुला रहेगा तो मिलाएंगे तो ज़रूर, नहीं तो ऐसे ही। ये 5 किलो का डिब्बा है, ये 4 किलो ले आते हैं मील से, आजकल जा ही नहीं रहे इसलिए हम फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल ले लिया। दोनों पैकेट इसको, ये 3 पैकेट, 2 मस्टर्ड ऑयल और 1 रिफाइंड। इस समय 7:15 हो रहा है और चेरी स्कूल जा चुकी है। मैं कुंदरू काट रही हूँ, ये कुंदरू, क्योंकि अभी समय लग जाएगा पूरा डस्टिंग पोछा और भी काम में, तो सब्जी बना रहेगा तो मेरे हस्बैंड खा सकते हैं फिर इसको। हम तो अपना देर से ही नाश्ता करेंगे, सब्जी बना देंगे फिर अपना ये काम कर लेंगे हम, क्योंकि निश्चिंत रहता है जी कि कम से कम सब्जी बनाइए, जब भी नाश्ता मांगे तो हम दे सकते हैं। इसमें पका हुआ भी सब दे देते हैं, मैं तो डाल देती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने और इसको कलौजी का मसाला डालेंगे। ये एक और कढ़ाई ले लिया है मैंने, ये कलौजी का मसाला तैयार करने जा रहे हैं, तो इसमें ये 5 चम्मच है सौंफ और बस 1/2 चम्मच मेथी। ये सब कड़वा हो जाता है, ये मंगरैल है, क्योंकि ये सब चीज थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और राई से भी खट्टा ज़्यादा हो जाता है इसलिए थोड़ा ही राई डालेंगे। और ये सूखी लाल मिर्च, ये महक आने लगा है, बस इसको ये इसको बंद कर देंगे, ये महक आने लगा है। बस मैंने गैस बंद कर दिया है, इसके हीट से, कढ़ाई के हीट से अब और हो जाएगा। ये थोड़ा सा जीरा मैं भूल गई थी, तो थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे इसमें, क्योंकि ये अभी हीट बहुत ज़्यादा है तो इसी में हो जाएगा। जीरा बहुत जल्दी जलने लगता है तो इस कढ़ाई के हीट से जीरा भी हो जाएगा। ये मसाला मैंने, जो कलौजी का मसाला, जार में निकाल लिया था और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और नमक और अमचूर। अमचूर तो खैर इसमें नहीं डालते कुंदरू में, और जिसमें डालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे अगर जिसमें भी डालना होगा। फिर इसको मैं
ग्राइंड कर दूंगी। ये दो तीन दिन का मिक्स व्लॉग है। ये 19 तारीख की मॉर्निंग का है। मेरे हाथ का नस चढ़ जा रहा था, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, तो बिल्कुल मुझसे काम ही नहीं हो रहा था और धीरे धीरे मैं काम कर रही थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी। चेरी का लंच बॉक्स, खट्टी चटनी भी थी लेकिन वो सॉस लेके जा रही है, और ये सूजी का चिल्ला, टमाटर, प्याज, गाजर और थोड़ा सा जीरा, नमक, मिर्चा और थोड़ा सा सौंफ डाल दिया था, अच्छा टेस्ट आता है। और ये सूजी है, इसमें 1.5 चम्मच खाली बेसन का डाला था, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दही दही डाले थे। ये चेरी का लंच बॉक्स से ये खा के जाएगी। नहाई हो चेरी? नहीं, हम तो गंदे हैं। चेरी हमारी जाड़ी में भी नहाना चाहती, जब हम कहते बाबू ठंडी है, सर्दी हुआ है, मत नहाओ, तो कहती नहीं हम नहाएंगे, ज़रूर से नहाएंगे। ये नहा के जाती है तो गर्मी में तो नहाएगी। पैसा है कि नहीं पास में, उसमें जहाँ तुम्हारा कॉपी रखा है ना, वहीं पे रखा, उसके नीचे। हम अकल फिर रात में रखे हैं सोफे पर, जहाँ कॉपी है वहाँ पे रखा है, ले लेना। ये चेरी का तैयार है लंच बॉक्स, और ये चेरी तैयार है, खा चुकी हैं। आज की मेरी लंच थाली, अरहर की दाल, आलू दही की सब्जी, लौकी की सब्जी, रोटी चावल, सहजन और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और सैलड। आज की मेरी परफेक्ट थाली। सभी को मेरा राम राम। इसमें 4:55 हो रहा है, मैं 4:10 पर उठी थी और बहुत से काम, झाड़ू लग चुके हैं, पानी भी 1 गिलास पी ली थी, बहुत प्यास लगा था। अब जा रहे हैं ये पीने के लिए। ये जो हम भिंगाए थे, ये मेरा, ये चेरी का, ये मेरे हस्बैंड का, तीनों जन का ये भींगा हुआ है, हम लोग अब पियेंगे। और चेरी आज पोहा लेके जाएंगे। अभी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ है, अभी अंधेरा ही है। चेरी आज पोहा लेके जाएंगे, तो प्याज काटते हैं, आलू, और ये करेले की सब्जी बनेगी,
और करेले की कलौजी बनेगी आज। तो ये सुबह सुबह मैं इसलिए काट देती हूँ कि मेरे हस्बैंड वो ब्रेकफास्ट में यही रोटी ही सब्जी करेंगे या पराठा सब्जी, वो यही चीज करेंगे, इसीलिए हमको काटना पड़ जाता है। कल बाल धोने ना लड़ू, कल संडे है। चेरी का नाश्ता हो गया, 6:30 बज रहा है। आज चेरी जल्दी उठी थी, 5:30 बजे अपने आप हमने उठाए थे, तो इसलिए इनका नाश्ता हो चुका है। बाय सुना। बाय।